ये भैया आए हैं आसाम से। अच्छा, आसाम से आए हैं। काफ़ी टाइम से इन्होंने काफ़ी जर्नी कवर की है। मैं आसाम से आया हूँ, एक्चुअली घूमने के लिए नहीं निकला हूँ, मैं कवर करने के लिए, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। मैंने 18 दिन में आपका 10 स्टेट कवर कर चुका हूँ, आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड और हिमाचल पहले कर चुका हूँ, और फिर उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख में 10 स्टेट पूरा हो चुका है मेरा। अब यहाँ से आगे श्रीनगर की ओर निकलना है कि लेह साइड? लेह साइड जाना है अभी। लेह साइड से जी। अब यहाँ से आपको कितने दिन लगेंगे? एक्चुअली मैं 3 दिन में पूरा कवर कर लूँगा। आपका मतलब खर्चा पानी क्या हो रहा है? खर्चा पानी रास्ते मदद मिल जाता है, पैसे अच्छा। जो मेरे थे ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए तो आपको किसी ने यहाँ से अभी तक मदद की किसी ने? लद्दाख में तो अभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इंशाल्लाह आप आगे से ज़रूर करेंगे, हर कोई मदद करेगा। तो आप मतलब यहाँ से अब घर जाओगे कि यहाँ से ले से घूम के मनाली से? ले से यहाँ से पहले मनाली होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए आपका दिल्ली जाएंगे। अच्छा, आपके साथ साथ कैरी क्या है? मेरे साथ कुछ ज़्यादा कुछ कैरी नहीं है, एक बैग है, ठीक है, बस एक कम्बल है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ ले के चला ही नहीं मैं। खाने पीने का क्या करते हो? भूखे ही चल लेते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ मिलता है खाते, नहीं तो नहीं। बाकी आपके पास खाने वाने का सिस्टम कुछ नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है। नाइट कैंपिंग करते हो कि कहीं नाइट में अगर कहीं किसी का घर मिल जाता है तो वहीं पे रह लेते हैं, नहीं तो फिर चलते रहते हैं नाइट को भी? हाँ, नाइट को। तो आपके पास तो नाइट की कोई फैसिलिटीज भी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बाकी अगर साइकिल को कुछ हो गया तो खुद से बना लेता हूँ? खुद से बना लेते हो? पूरा खुद से बना लेते? अकेले ही सब कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, आपका मतलब क्या मकसद था यहाँ आने? मकसद मेरा एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जो लूज़र कहते हैं उनको दिखाना चाहते हैं लूज़र। और पहला ये कि जब मैं 45 के हो जाएंगे तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल नहीं किया हूँ। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले गए थे आपको 19 तारीख को, मतलब 19 को मेरा जॉब लगा था आसाम में, तो वहाँ से जॉब छोड़ के मैंने 23 को निकल के और साइकिल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं घूमने के लिए नहीं निकला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कि कम समय में इतना स्टेट कवर कर चुका हूँ। 18 दिन में 10 स्टेट हो गए हैं और मनाली। कोई बात नहीं भाई, एक काम करिए। इंडिविजुअल कर रहे हो? जी हाँ, इंडिविजुअल कर रहे हो। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपकी काफ़ी अच्छी जर्नी होगी, तो आपको आगे से भी मदद मिलेगी। आप मतलब कोई फ्लैग की बात कर रहे थे? हाँ, वो मुझे तिरंगा लहराना है 15 अगस्त के दिन किसी भी कीमत पे। आपको यहाँ से कुछ 1000 मीटर के बाद यहाँ से आपको वार मेमोरियल पड़ेगा, सारी 1990। यहाँ से आगे वार मेमोरियल पड़ता है आपको कुछ मीटर्स के बाद, तो यहाँ पे वहीं पे कर लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। 99 के पूरे सब कुछ आपको वहाँ ही मिलेगा, बाकी भी मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह मिलेंगी, बाकी टॉप्स में भी कर सकते हो, लेह में भी सब कुछ, मतलब 15 अगस्त सब कुछ मनाया जाता है वहाँ पर काफ़ी धूमधाम से। अब आप यहाँ से वार मेमोरियल 15 तक बैठोगे कि 15 अगस्त तक बैठोगे कि आगे जाओगे? नहीं, आगे जाऊँगा मैं, आगे जाओगे, रुकूँगा नहीं कहीं। ओके, हम यहाँ से आगे दुआ करते हैं आपके लिए भी। थैंक यू, इंशाल्लाह आगे आपकी मदद करेंगे। ठीक है भैया, ओके।